देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं प्रतीक्षा आपके साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक घड़ी है। इस घड़ी की खासियत यह है कि ये जीपीएस ट्रेसर है, मतलब इसमें आप किसी का नंबर डाल सकते हैं। वो नंबर आपके परिवार के किसी सदस्य का हो सकता है या किसी का भी हो सकता है, जिससे आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी सारी जानकारी आपके परिवार को मिलती रहेगी। अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अर्पित पांडे जी, जिन्होंने इस घड़ी को बनाया है। तो आइए उनसे एक खास बातचीत करते हैं। सर आप कहाँ से हैं? मैं वाराणसी से हूँ। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीएससी सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। सर आपके मन में ये विचार कहाँ से आया, मतलब ये घड़ी बनानी चाहिए, ऐसा विचार आपके मन में कब से आया? और मेरी सीनियर्स बीकॉम सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी, तो उनके भाई का किडनैपिंग हो गया था। रियल बात थी कि जैसे कि वो मतलब 6 ईयर्स ओल्ड का था वो, और मतलब वो केसेस जो इतना रेयर था, कंडीशंस रेयर था कि उस चीज को मतलब सेलेक्ट करना बहुत ट्रिपिकली था हमारे लिए। तो मैंने सोचा कि ये पुलिस डिपार्टमेंट या फिर अदर डिपार्टमेंट के जो वर्किंग होते हैं वो नन ऑफ द अबव, मतलब हम उस सबको रिमूव करते हैं। तो मैंने सोचा कि इसके लिए मैं ही कोई ऐसी डिवाइस रेडी करूं जो कि परफेक्टली हर एक एरिया, हर एक प्रॉब्लम क्वेश्चन को रिमूव करे। तो उसी टाइम मेरे को ये आइडिया आया, तो मैंने इस वॉच को बनाया। सर ये आइडिया अभी 2018 में आया या पहले से चल रहा था? जो आप ये केस बता रहे हैं अभी लेटेस्ट हुआ या फिर पहले से हुआ? नहीं, ये तो अभी लेटेस्ट ही है क्योंकि जुलाई में ये मतलब ये केसेस हुआ था, बट उसके बाद ही मैंने इसे ऑब्जर्व किया, फिर मतलब स्टडी किया, उसके बाद ही मैंने डायरेक्टली जावा के लिए, मैंने जावा की पढ़ाई भी कंप्लीट की। मतलब उसके बाद की सारे स्ट्रगल मेरा ये थीम था कि इसे स्मार्ट वॉच दे, और इससे कि हर कंडीशंस में, किडनैपिंग से भी और अदर कंडीशंस में हो, तो उससे भी हम इसे सेफ हो सके। तो सर आपने इस घड़ी को कोई नाम दिया होगा? यस, इसका इस वॉच का नाम है स्मार्ट पॉजिंग मोबाइल फोन वॉच। ओके, तो सर इसमें क्या क्या फीचर्स हैं जिससे, मतलब ये लगती तो नॉर्मल घड़ी की तरीके से है, लेकिन इसके फीचर्स क्या क्या हैं, कैसे ट्रेस होता है, जरा आप इसको बताएंगे? यस, तो ये स्मार्ट पॉजिंग मोबाइल फोन वॉच की 20 फीचर्स है। तो फर्स्ट फीचर मोबाइल जीपीएस मोबाइल ट्रैकर, कि सेम द आजकल के कंडीशंस होते हैं कि पेरेंट्स को नहीं पता चलता है कि हमारे बच्चे कॉलेज में है या फिर कहीं और है, तो बच्चे भी उनसे काफी ज्यादा ही शातिर होते हैं। हो सकता है ये वॉच उन्हें पहना के कॉलेज भेज दिया, तो और जैसे ही इस वॉच को बच्चा निकालेगा, अपने रिस्ट से निकालेंगे, वो पेरेंट्स पे इसकी मैसेजेस चली जाएंगी कि बच्चा इस लोकेशन पे इस टाइम पे वॉच को निकाल रहा है। तो बच्चा ये भी सोच सकता है कि क्यों ना इसे निकाल के कॉलेज में रख दे और यूं फरार हो जाए। तो उसके लिए मैंने ये आइडिया सोचा कि जैसे वो वॉच को रिस्ट से निकाले, इंफॉर्मेशन हो जाए, फर्स्ट फीचर इसकी ये है। सेकेंड फीचर है कि पहले तो ये जैसे कि बच्चा ये भी है कि पानी में फेंक सकता है, तो उस कंडीशंस में हमें दो मैसेजेस ही अलर्ट करेगा। फर्स्ट तो वॉच को निकाला, सेकंड पानी में डाला, तो मतलब ये सेकंड मैसेजेस अलर्टेड होंगे। उसके बाद फिर ये है कि इसमें जो गार्जियन चाहेंगे सिर्फ उन्हीं 15 नंबर के इसमें कॉल आ सकते हैं। मतलब आजकल की बात के तो एंटी रोमियस द कपल से, तो इससे इस टाइम में ये होता है कि कोई अपने गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हो या फिर अदरवाइज किसी से भी बात कर रहा हो, तो पेरेंट्स यदि चाहेंगे तो ही वो इस वॉच से गर्लफ्रेंड से बात करेगा या फिर उसमें जिसका नंबर फीड है उससे बात करेगा, और जिनसे वो बात करेंगे, जिनसे वो मैसेजेस पे टाइपिंग करेंगे, जिनसे वो वॉइस मैसेजेस के थ्रू बात करेंगे, उनकी सारी रिकॉर्ड्स उनके पेरेंट्स को जाती रहेगी उस ऐप पे, और इस ऐप की कोई स्टोरेज नहीं है। ओके, तो सर ऐसा भी है, इसको मान लीजिए वो बांध देते हैं पेरेंट्स, ठीक है, मगर अपने फोन से बात करते हैं उसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन जाती है? इसमें ऑटोमेटिकली इसमें कोई डायल पैड नहीं है, उसमें जो 15 नंबर हम चाहेंगे सिर्फ उन्हीं के कॉल आ सकते हैं। अनवांटेड कॉल प्रोटेक्शन भी इसमें सिस्टम है, यदि अनवांटेड पर्सन यदि इसका नंबर जान जाता है तो यदि वो कॉल करेंगे तो इस पे कॉल रिसीव नहीं होगी, लेकिन उसकी मैसेजेस भी पेरेंट्स को जाएगी कि इस लोकेशन से, इस आईडी सेम से इतने बज के इतने मिनट पे कॉल आई थी। पेरेंट्स को तो पता चल गया, इसमें सिर्फ हमें नॉर्मली एक सिम लगानी है, उसमें एक बैलेंस कराना है नॉर्मली, मतलब ऑन करने के लिए सिम को,
उसके बाद ऑटोमेटिकली ये वर्किंग जैसे करता है वैसे हम इसे वर्किंग करके दिखा रहे हैं अभी 1 सेकेंड। जैसे कि इसमें पहला है वर्किंग, जैसे कि अब इसकी जैसे ही लो बैटरी होती है तो यहाँ पे इसकी आईडी इसी लो बैटरी का मैसेजेस कर दिया। SOS कॉल सिस्टम है, यदि हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएटिंग में फंसे हुए हैं तो उस लोकेशन पे हम क्या करेंगे, तो उस लोकेशन पे सिर्फ यहाँ पे इस बटन को जस्ट 3 सेकंड प्रेस करना है, आपके गार्जियन के मोबाइल पे इसकी मैसेजेस आ जाएगी जो कि यहाँ पे SOS अलर्ट दिया हुआ है। उसके जस्ट नीचे उसकी एक लिंक होगी, आप उसको जैसे क्लिक करेंगे उस जिस लोकेशन पे आपने टिक किया था वहां का आपको ऑप्शन आ जाएगा। उसके साथ ही साथ हम यहाँ से इसकी SOS फैमिली नंबर, साउंड गार्जियन सिस्टम, मतलब ये भी है कि मुझे पता है कि मेरा बेटा 10 बजे से लेकर 10:40 तक उसकी पीरियड क्लास में है, तो हम घर बैठे रिमोट शटडाउन ऑन ऑफ कर सकते हैं। यदि कोई चोर या फिर मतलब कोई, यदि हम घर पे ही वॉच कहीं रख दिया मुझे नहीं मिल रही है, वॉच फाइंडर के नाम से इस पे आप क्लिक करेंगी, नियर इसके इसमें जितने भी वर्किंग्स होते हैं वो कमांड के थ्रू होते हैं, तो वो कमांड इस पे भेजेगा और वो जगह पे होगी इसकी कॉल लोकेशंस आपको मिल जाएगी। जैसा कि हम इसमें ये आपको बता रहे कि इसमें पहले बात कैसे करते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग, मैंने इसे स्मार्ट पॉजिटिव मोबाइल फोन वॉच से सेव किया है। देखिए इस पे अर्पित पांडे के नाम से ये फोन इसमें सेव है और इसमें हम इसपे ऑटोमेटिक 2-वे कंजर्वेशन कर सकते हैं, मैसेजेस चैट भी कर सकते हैं। तो मतलब ये मेरे लिए, मैंने सोचा कि इसे इस लोकेशन एज द रूरल अर्बन हर एक कैटेगरी के लोग इसका यूज करें, खास करके लिए मैंने इसे बनाया कि हर केस के साथ ऐसा न हो कि किडनैपिंग की प्रॉब्लम, यदि किडनैपर से किडनैप करके हमें ले भी जाता है तो कम से कम जिस लोकेशन तक वो हमें ले जाएगा वहां तक का तो मुझे क्लू मिल सकता है। बच्चे आजकल और भी थोड़ा सा माइंड इंटेलिजेंट वाले लगा सकते हैं कि हो सकता है वॉच को निकाल के अपने फ्रेंड के रिस्ट में बांध दिया, तो उस लोकेशन में क्या होगा कि क्योंकि यदि पेरेंट्स मेरे को इस वॉच को गिफ्ट किया तो मेरा डीएनए वॉच उनको सेंड है, पता है उन्हें कि मेरा डीएनए रिपोर्ट ये है, और वो नेक्स्ट पर्सन को जो वॉच बांधेगा उसकी डीएनए रिपोर्ट, उसके डीएनए रिपोर्ट डिफरेंस होगी, ऑटोमेटिकली हम इसे सिक्योर हो सकते हैं और पेरेंट्स अपने बच्चों पे अपने बच्चियों पे पूरी सिक्योरिटी बना रख सकते हैं। आज अधिकारीगण जो होते हैं उनके बच्चों के ये बॉडीगार्ड वो बॉडीगार्ड लगे रहते हैं, तो हर जो गरीब परिवार से है उन्हें ये बॉडीगार्ड रखना तो बहुत कंफर्टेबल नहीं हो पाता है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उतने वो लो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो मैंने इसलिए मेरा यही थीम था कि सेव द ह्यूमन बॉडी, सेव द सिक्योरिटी एंड सेव द मनी। आजकल के मोबाइल फोन के भी बिना, क्योंकि मतलब एंड्रॉइड फोन जो होते हैं मतलब ये अबाउट 5000 अप टू उसकी रेंज होती है, तो मतलब इसकी टोटल कास्ट मात्र 3100 रुपए है, तो मैं सोचा कि कुछ मतलब ऐसा करें जो कि हर एक लोग रूरल अर्बन विलेज लो कैटेगरी मीडियम हायर सब लोग इसका यूज कर सके। ओके सर, एक क्वेश्चन और आपसे करना चाहूंगी, मान लेते हैं ये रिस्ट पे बांध दिया पेरेंट्स ने, लेकिन आजकल तो बच्चों के पास अपना भी फोन होता है, तो जैसे कि इसको तो बांध रखा है लेकिन उस नंबर पे कॉल आता है तो क्या इसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन घर पे जाती है? देखिए नहीं, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, तो पेरेंट्स यदि जानते हैं कि हमारा बच्चा कुछ बिगड़ रहा है, उसकी लाइनें चेंज हो रही है, ऑटोमेटिकली वो फोन वहां से हटा सकते हैं। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है, आजकल तो बच्चे जो होते हैं वो मम्मी पापा से ज्यादा स्मार्ट होते हैं, तो वो मतलब फोन रख सकते हैं, कभी ये हुआ कि चलो अपना नहीं फ्रेंड्स के फोन से बात कर लेते जी हैं। हाँ, तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि क्योंकि वो यदि वॉच बांधे रहेंगे जी, तो जो वॉच बांधे रहेंगे तो उसके लिए मेरे पास एक सिस्टम है, उसके लिए भी एक ऐप है जो कि गार्जिस्टिकल माई फोन नेम है, क्रिटिकल माई फोन। वो क्या करेंगे, पेरेंट्स इस वॉच पे मैसेज करके कुछ भी भेज देंगे, जैसे ही ये मैसेज उस पे भेजेंगे पेरेंट्स वॉच पे मैसेज भेजेंगे तो ये मैसेजेस पे थ्रू इनके कमांड डायरेक्टली पेरेंट्स के मोबाइल पे जाएगा, तो जैसे ही कमांड उनके पे जाएगा ऑटोमेटिकली वो ये बच्चा इस वॉच से उन्हें फोन नहीं करेगा लेकिन उनके पे तब भी रिंग बजेगी,
रिंग बजेगी, ऑटोमेटिकली वो कॉल रिसीव कर लिए, वो बेटा बेटा क्या बात कर रहा है, क्या कर रहा है, किसी और से कैसे बात कर रहा है, इस स्पीकर के थ्रू हम इसे सारी चीजें इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो मतलब बच्चा कितना भी अपना माइंड लगा ले, लेकिन वो पेरेंट्स के छुटकारों से, मतलब उसके जो इलेक्ट्रॉनिक जो फेंस है उससे वो नहीं बच पाएगा। ओके सर, तो सर बताइए आपके करियर की शुरुआत कहाँ से हुई? मैंने 22 मार्च 2016 से मैंने अपने विज्ञान के इस क्षेत्र में मैंने अपना कदम रखा था। तो स्टार्टिंग मतलब एक जो थर्मोकोल के जो मॉडल्स होते हैं उनके थ्रू मैंने स्टार्ट किया था। तो मेरा फर्स्ट इन्वेंट था मॉस्किटो रिपेयरिंग मशीन एंड रूम फ्रेशनर। सो उसके बाद फिर मतलब जिला, अपने पहले ब्लॉक, फिर जिला, फिर मंडल, राज्य, फिर एक नेशनल लेवल पे आए, फिर नेशनल से फिर इंटरनेशनल लेवल का एक इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ था, एक इंटरनेशनल फाइनल लेवल के लिए मलेशिया में आयोजित हुआ था, जो कि 18 से 23 जुलाई 2018 को बाधनी युवा वैज्ञानिक सम्मेलन में मुझे वहां पे मतलब मेरा सिलेक्शन वहां पे हुआ था। और मुझे फिर मॉस्किटो रिपेलिंग मशीन एंड रूम फ्रेशनर के लिए मुझे पूरे विश्व में दूसरा स्थान मुझे मिला, और मुझे वहां पे फाइनली इंटरनेशनल चाइल्ड साइंटिस्ट की उपाधि मिली। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि फिर एक नए प्रोजेक्ट को रेडी करते हैं, तब तक से ये मेरे साथ ये कंडीशंस आ गए। अभी मैं इस घड़ी पे वॉच के थीम पे वर्क कर ही रहा था, तभी मुझे मलेशिया जाना हुआ था जुलाई में, और फिर मैंने इस वॉच को रिप्रेजेंट किया। तो सर अभी तो आपने एक घड़ी बनाई है, आगे इस क्षेत्र में आप कहाँ तक जाना चाहते हैं? मतलब आपका कोई नया एम होगा, आपने सोच रखा होगा ना कि मुझे आगे क्या करना है? मैं तो भी, मेरा ये उद्देश्य है, मैं ये मतलब मेरा ये सपना है कि मैं आगे चल के वैज्ञानिक बनूं और मैं अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करूं। और बट मैं जो भी प्रोजेक्ट या फिर जो भी मैं इन्वेंट करूंगा वो मेरा किसी थीम को लेके ही करूंगा, जैसे कि वो थीम वो हो कि हर एक कैटेगरी, हर लोअर हायर और जो मीडियम कैटेगरी के लोग हैं उनके पे रिलेटेड हो, और मैं जो इन्वेंट करूं उससे किसी भी पर्सन पे कोई साइड इफेक्ट ना हो, लो कॉस्ट पे हो, और चाहे भले भी बड़ी स्ट्रगल करनी पड़े बट उसकी कॉस्ट को थोड़ा लो करके ही करेंगे कि उनकी लो कॉस्ट हो। और मेरा थीम है कि मैं सेव मनी, सेव द इलेक्ट्रिसिटी, सेव द हेल्थ एंड सेव इन्वायरमेंट। मतलब ये मेरे 4-5 थीम पे मैं मतलब जो भी प्रोटेक्शन रिलेटेड या फिर सिक्योरिटी रिलेटेड या फिर सोशल सर्विसेज से जो भी मैं इन्वेंट करूंगा, कि जो भी मैं इन्वेंट करूँ वो समाज के लिए काफी ज्यादा लाभदायी हो और उससे हमारे पूरे मानव जीवन पर उसका कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। ओके सर, एक बात और सर, अभी आपकी उम्र क्या होगी? मेरा जन्म 28 जुलाई 2001 को हुआ था, अभी मेरी उम्र 17 साल है। सर मैं आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगी, तो कैसे आप अपने बारे में बताएंगे कुछ, कैसे आप यहाँ मतलब इस लेवल तक पहुंचे, इतनी कम उम्र में आपने इतनी सफलता हासिल की, इसका श्रेय किसको जाता है? कोई तो आपका पर्सन होगा मतलब जिसको आप, किसी से आपको प्रेरणा मिली होगी? सर तो मेरा नाम अर्पित पांडे और मेरे माता जी का नाम श्रीमती सीमा पांडे है और मेरे पिताजी का नाम श्रीमानंद पांडे है, और हम वाराणसी मंडल के चंदौली जिला के रहने वाले हैं हम। तो मैं जब क्लास 12 की जब अपियरिंग थी, तो उस टाइम मतलब एक हमारे सीनियर थे विष्णु भैया, तो मतलब हम देखा करते थे कि मतलब बच्चे मॉडल्स ले जा रहे हैं, तो मुझे भी एक्साइटमेंट होता था कि मतलब मैं इसमें कैसे पार्टिसिपेट करूं। तो वो विष्णु भैया थे, तो मैंने उनसे मीट किया, तो उन्होंने बताया कि हाँ ऐसे करके जा सकते हैं। तो उन्होंने डायरेक्टली, वो डिस्ट्रिक्ट साइंस क्लब हुआ करता है, तो डिस्ट्रिक्ट साइंस क्लब के कोऑर्डिनेटर थे डॉक्टर कृष्ण मुरारी सिंह सर जी, तो उन्होंने, विष्णु भैया जी ने उनसे मिलाया था हमें, तो डायरेक्टली मतलब वो हमारे गाइड टीचर हैं डॉक्टर विष्णु मुरारी सिंह सर जी। तो जितना भी वर्ड बोले, जितना भी धन्यवाद ज्ञापित करे, वो सब कम है, क्योंकि मुझे, मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद ज्ञापित करूंगा
विष्णु भैया जी, डॉक्टर वी एस तिवारी सर जी का और अपने पेरेंट्स का और पायतोष त्रिपाठी सर जी का, जो कि हमारे बीएचयू यूनिवर्सिटी के एमसीआई डिपार्टमेंट के वो एक मैनेजर हेड चांसलर भी हैं, और वो मुझे ये लोग की मुझे मोटिवेट एंड जो लोग बात करते हैं, मतलब हमेशा मतलब तुम्हें नहीं, मतलब तुम्हें गिरना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ते रहना है, मतलब ये लोग हमेशा मोटिवेट करते हैं। पार्थू सर है और कृष्णमारी सर है, मतलब कैसे हो, क्या हो रहा है, मतलब पूरी वर्किंग मतलब डिटेल हमेशा लोग की होती रहती है। तो मैंने उन्हीं लोग के थ्रू मैं मतलब जिला मंडल नेशनल इंटरनेशनल तो अभी तक मैं जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ वो इन्हीं सर लोग की वजह से हूँ। तो मैं थैंकफुल सर डॉक्टर कृष्ण कुमारी सर और डॉक्टर पार्थू त्रिपाठी सर जी, मतलब मेरे पास मैं जितना भी वर्ड उन्हें बोलूँ, जितना भी उन्हें धन्यवाद ज्ञापित दू वो सब मतलब कम होगा उनके लिए। तो मतलब मेरे पास मतलब बिग बिग थैंक यू मतलब उनके लिए। ओके सर, थैंक यू आपका इतना समय देने के लिए। ओके आपका बहुत बहुत धन्यवाद 24x7 लाइव टीवी में अपना कीमती समय देने के लिए।